परंतु बेटी को न्याय मिले, बेटी के अनाचारियों को सजा मिले, डरपोक आदित्यनाथ जो है उनका इस्तीफा हो, यह हमारी बात है। और लगातार यही कोशिश कर रहा है कि हम किसी भी तरीके से हाथरस जाया जाए। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि राहुल गांधी को एक गाड़ी के साथ हाथरस जाने दिया जा सकता है। आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं लगातार। लेकिन देखिए किस तरीके से महात्मा गांधी का फोटो उसर पे लिया हुआ है, जो शांति का प्रतीक है। वहीं आपको बता दें कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं उनकी भी मूर्ति लिए हुए हैं, उससे भी यही संदेश जाता है कि शांति और जो संविधान के दायरे में रहकर ही न्याय किया जाए। जिस तरीके से वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो मीडिया है और जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ उनका अपमान करते हैं, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये एक बिल्कुल घिनौनी सोच है। सरकार कुछ ना कुछ छिपा रही है, पुलिस प्रशासन कुछ ना कुछ छिपा रहा है कि इस तरीके से कोई घटना हुई है तो क्या विपक्ष के लीडर नहीं जा सकते, क्या लोग वहाँ पर नहीं जा सकते, मीडिया को वहाँ पर ना जाने देना, नेताओं को वहाँ पर ना जाने देना, वकीलों को वहाँ पर ना जाने देना, किसी को वहाँ पर उनके परिजनों को वहाँ पर ना जाने देना, ये कहीं ना कहीं संदेह की स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार किसको बचाना चाहती है, सरकार किसको बचाना चाहती है, किसका किसका फेवर वो कर रही है? उनको न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए, जो दोषी है उनको जेल भेजना चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही तो मांग कर रहे हैं, यही तो मांग सब कार्यकर्ता कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता यही मांग कर रहे हैं, राहुल गांधी जी यही मांग कर रहे हैं। आज हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका तो ये कहना है कि यहाँ पे जांच चल रही है, इसलिए किसी का आना बैन कर दिया। नहीं नहीं, कहीं कोई जांच वाच का कोई मतलब नहीं है। जांच में हम लोग क्या, जांच को प्रभावित हम लोग कर रहे हैं क्या? जांच अपनी अलग चल रही है। कांग्रेस के नेता वहां पर अगर किसी के दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है? क्यों इतना बड़ा तुमने बवंडर मचा रखा, क्यों लोगों को रोक रहे हो, क्या मतलब है? लाठी डंडों से आप क्या डरा लोगे लोगों को? डरने वाले नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लाठी भी खाएंगे गोली भी खाएंगे। लूट झूठ की सरकार है, लाठी डंडे की सरकार है, आपने देखा होगा इसमें गद्दार आरएसएस वाले गद्दार लोगों की सरकार है। तो इन लोगों को बेटी नहीं दिखाई दे रही, बेटी के साथ जो हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा, इन्हें सिर्फ अपना पुलिस और अपना सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, और इनके पास है तो है नहीं कुछ भी। अभी इतने केस होते जा रहे हैं डेली दिन ब दिन, और जहाँ तक है ये पुलिस ना तो पुलिस है, ये है पुलिस को चल रही है जांच के नाम पे कुछ नहीं कर रही, और ना ये आपका मीडिया बिका हुआ बैठा है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखा रहा है सब चीज़। ये जितना भी ये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ये ढोंग मचा रहे हैं, रोड जाम करा रखा है, किस लिए? क्या राहुल गांधी ने रोड जाम करवा दिया? अरे आप लोग उन लोगों को सुविधा दो, अभी हमें जाने में वहाँ पर जाने में इन्हें क्या आपत्ति है? क्या राहुल गांधी उन्हें इनको बांध के मारेंगे क्या, प्रशासन को या सरकार को? लेकिन इन लोगों को डर है कहीं सच सामने ना जाए, इसलिए वहाँ मीडिया और मीडिया के लोग भी बिके हुए जो बिकाऊ लोग हैं वो भी बाहर खड़े कर रखे हैं कि सर कांग्रेस पार्टी ने रोड जाम कर रखा है। लेकिन हम उस बेटी के घर जाना चाहते हैं, हमारे राहुल गांधी जी उसके परिवार को उसके दुख दर्द में शामिल होना चाहते हैं। किस तरीके से ये पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ता थे इनको लाठी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये देखिए किस तरीके से लाठी लगी हुई है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से ये राहुल गांधी की गाड़ी यहाँ से काफिले को निकाला जा रहा था तो उसी बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई और कई लाठीचार्ज भी हो जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। पुलिस वालों ने 15-20 डंडों के साथ, हम बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, ये लोग झूठे और मामा कंस और रावण के अनुयायी है, ये रावण और मामा कंस के अनुयायी से पूछने चाहते हैं कि जिस प्रकार का दुराचार और अत्याचार एक दलित के बेटी के साथ मनीषा वाल्मीकि के साथ इस सरकार ने किया, हाथरस के अंदर जो मांगता देश, इस देश की महिला बताओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाले से मैं कहना चाहता हूँ देश की जनता से कि बेटी बचाओ इन गुंडों से, चिन्मानंद बापू जी, कुलदीप सिंह सेंगर जैसे इनके विधायकों से जो बेटियों की आबरू लूटते हैं, बेटी की रात के 2 बजे उनकी लाश को चिता की मुखाग्नि दी जाती है। अरे हिंदू धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले लोग हैं, यदि वाकई में हिंदू धर्मी लोग होते तो क्यों उस बेटी को रात के 2 बजे इन्होंने दाग लगाया, क्यों
ये देश पूछता है, इस देश की आवाम पूछते हैं, देश का एक एक युवा, एक एक महिला, दलित और इस देश का जो जागरूक नागरिक है वो पूछना चाहता है इस सरकार से, इस कुंभकर्ण की सरकार से कि बोलिए ढोंगी जी, आदित्यनाथ द्रौपदी सिंह बीच जी आप जवाब दीजिए, आपके जो डंडे आज इस बेटी के न्याय के लिए जो हम लोग खड़े हैं। कांग्रेस नेता आगे बढ़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो टोल टैक्स है उसके ऊपर देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन ने तैयारी कर रखी है और कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे हैं और राहुल गांधी का तो बार बार यही कहना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार हाथरस जाके ही रहेंगे। परंतु बेटी को न्याय मिले, बेटी के अनाचारियों को सजा मिले, डरपोक आदित्यनाथ जो हैं उनका इस्तीफा हो, ये हमारी बात है। आपको भी चोट लग जाएगी, मुझे भी, देखिए पीछे से लोग आ रहे हैं, जैसे ही मालूम चलेगा इधर आ जाओ बेटे। राहुल गांधी गाड़ी के ऊपर खड़े हुए हैं। देख सकते हैं माइक लेते करो यार, साउंड लाइव है।